तो गाइस किसी ने मुझसे सवाल किया कि हाउ टू बिकम मिलीनियर फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। तो मुझे लगा कि इस सवाल का ऐसे जवाब देने के लिए मैं राइट पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मैं मिलीनियर नहीं हूँ। तो इस सवाल का जवाब मेरे से तो नहीं आना चाहिए, बट मुझे फिर मैंने सोचा कि मैंने देखा तो है कि लोगों को कि मिलीनियर बनते हुए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे लगा कि इस पर नहीं, मुझे वीडियो तो बनाना ही चाहिए और आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आपने कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हुई होती। जब आपका 8 से 10 साल का जब आपका एक्सपीरियंस होता है तो आपने बहुत कुछ देखा होता है, तो पता नहीं चलता कि ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी दिमाग में क्लिक नहीं करता। बट लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हो ना, तो कमेंट में से ना वो चीज़ से मैं जब रिलेट करता हूँ उस चीज़ को, इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से मुझे आइडियाज़ आते हैं और उस आइडिया पे ही हम टॉपिक मैं चूज़ करता हूँ। जैसे आपने देखा भी होगा, मैक्सिमम मैं कमेंट पे ही वीडियोज़ बनाता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग में मिलीनियर बनते कैसे हैं, तो मुझे लगा कि इस पर तो ज़रूर बात करना चाहिए। तो मैंने 2-3 लोगों को देखा जो कि मेरे सामने मिलीनियर बन गए, बिल्कुल मेरे सामने की बात है। कि जब एक तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, जब मैंने जिस कंपनी में ज्वाइन किया था बहुत छोटी सी कंपनी थी, एक रूम की कंपनी थी, और उसमें हार्डली जो डिजिटल मार्केटिंग हम करने वाले थे हम 4 बंदे थे कुल मिला के, और उस पर हम डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट उठाते थे। और छोटे मोटे प्रोजेक्ट मतलब कितने की होंगे, 30,000-40,000, या फिर अगर मैं बात करूं तो मंथली 12,000 का प्रोजेक्ट, मतलब कुल मिला के साल का वही 1.5 से 1.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट हमने उठाया, या फिर 2 लाख का प्रोजेक्ट। उससे कंपनी कभी भी मिलीनियर नहीं बन सकती। उससे पहले आपको बता दो, अगर आप सिर्फ जॉब कर रहे हैं और मिलीनियर बनना चाहते हैं तो इंडिया राइट प्लेस नहीं है। अगर आपको मिलीनियर बनना है तो फिर अगर आप जॉब के थ्रू, तो आपको कनाडा या US वगैरह शिफ्ट करना पड़ेगा, स्विच करके आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तभी आप जॉब के थ्रू मिलीनियर बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पे है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा जो एक पॉइंट है कि आपको, अगर आप अपनी कंपनी खोलते हैं, अपनी एजेंसी खोलते हैं, अपनी अपना ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं और जॉब छोड़ के थोड़ा सा रिस्क लेने का आप रखते हैं हिम्मत कि हाँ चलो मेरे को ना मिलीनियर बनना है, तो आपको मिलीनियर बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। अब बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या होती है इसके अंदर। आपको आप जितने प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, उठाते रहिए। मैंने, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने क्या कहा था कि टेंडर्स फाइल करने वाला हिसाब किताब मैंने बताया था आपको, कि आप टेंडर्स ज़रूर फाइल कीजिए। वो क्यों बताया था, क्योंकि देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे कि एयरटेल भी होती है और गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है, या फिर ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो टेंडर्स निकालती है और उसमें से कोटेशन लेती है। मतलब पूरे साल का या फिर 6 महीने का पूरा टेंडर निकाला इन्होंने कि हमें डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ कराना है। सोशल मीडिया आपकी टीम करेगी, आपका PPC का जो होगा वो एक टीम करेगी, SEO का एक टीम करेगी, ब्रांडिंग के लिए अलग टीम है। तो इसका जो पूरा का पूरा जो कॉस्टिंग निकलता है ना, तो पूरे मतलब कि बहुत बड़े वाला कॉस्टिंग निकलता है, समझ लिए 5 करोड़ का 10 करोड़ का इस तरह की कॉस्टिंग निकलती है। तो उसमें कई सारी चीज़ें कवर होती है, उनके इवेंट्स जितने होंगे वो हम पब्लिश करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज होती है ये टेंडर्स फाइल करती हैं और वो टेंडर्स उठाने की कोशिश करती है। एक ऐसा टेंडर होता है जो कि अगर आपका क्लिक कर गया तो आपकी कंपनी को करोड़ों की कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स देखे जिसमें मेरी लास्ट टू लास्ट कंपनी जो थी वो लगातार टेंडर्स फाइल करते रहती थी। वो चीज़ मैंने वहीं से सीखी, और कितने इम्प्लॉयज़ हैं वो सारा कुछ मेंशन होता था उसके अंदर, उनके टेंडर्स में, और वो गवर्नमेंट के टेंडर्स होते थे और लगातार वो टेंडर्स फाइल कर रहे थे पिछले 3 से 4 साल से, बट उनको टेंडर्स कभी नहीं मिल रहे थे। लकली उनको जो 4थे या 5वें साल उनको टेंडर मिल गया उस प्रोजेक्ट का, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उस समय गवर्नमेंट जो NRIs है उनको इन्वेस्टमेंट करवा रही थी इंडिया में। मतलब जो भी जो बाहर रहते हैं, US, Canada जैसे होते हैं, तो वो उनके पास पैसा तो है लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करें। तो इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट एजेंसी है OFC, तो उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाती है इंडिया में। तो
ऐसी ऐसी जो एजेंसीज होती है, तो गवर्नमेंट की एजेंसी होती है जो कि मोटा पैसा इन्वेस्ट करती है सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए कि लोग हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करें, जैसे कि FDI वगैरह होता है, सेम उसी तरह ये काम करता है। तो लोग आके इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टीज़ बाई करें, मॉल्स वगैरह में पैसा लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएं। तो ये काम था और वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, करोड़ों का प्रोजेक्ट था, और वो मेरी कंपनी को लग गया वो टेंडर। अब जैसे लगा, समझ लीजिए, सीधे लाखों की कंपनी से वो सीधा करोड़ों की कंपनी बन गई। आपको आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट से आप करोड़ों की कंपनी अपनी नहीं बना सकते। अगर आपको मिलीनियर बनना है तो आपको एक ऐसा बड़ा टेंडर आपको मिलेगा और आपकी कंपनी मतलब सीधे करोड़ों में आप खेलोगे। तो आपको मेहनत तो करना पड़ता है। अगर आपको मिलीनियर बनना है तो आपको मेहनत भी आपका उसी हिसाब से होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी भी आपको उस हिसाब से होनी चाहिए, आपके पास अपनी एक बहुत ही अच्छी कामयाब सेल्स टीम होनी चाहिए जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आए। अगर नालायक आपका सेल्स टीम होगा तो कभी भी आपका कंपनी खड़ा नहीं हो सकता, आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसलिए अच्छे कम लोग रखिए सेल्स में, बट ऐसा रखिए कि जो प्रोजेक्ट्स हर महीने लेके आए। कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी आप लीनियर बन जाते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा हिम्मत कीजिए और जितने भी बड़े टेंडर्स हैं फाइल कीजिए, आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप मिलीनियर ज़रूर बन जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।